पूर्णिया के जो चुनाव हो रहा है ना, इसकी इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो अखिल भारतीय होंगे, क्योंकि इसने कई लोगों के, कई राजनेताओं के चेहरे से पर्दा हटाया है। तो हमारे मतदाता तो इंटैक्ट हैं, वो बढ़ चढ़ कर मतदान जो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और वो मत डाल रहे हैं। बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी जो अपरिपक्व राजनेता है, वंशवाद के प्रतिफल क्या होंगे, परिवारवादी पार्टी के जो जो राजकुमार होंगे उनको तो वो तो अपरिपक्व ही होंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। आज 5 सीटों के ऊपर मतदान हो रही है, जेडीयू की 5 सीट ही है वहाँ पे, एनडीए की तरफ से वहाँ जैसे बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पांचों सीट जेडीयू का है। क्या रुझान है सर वहाँ का? देखिए, हम लोग पांचों सीट पर बहुत अधिक मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जिस तरह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया, तो लगातार और धीरे धीरे उनके प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन बढ़ता जा रहा है, और हम लोगों ने प्रूव भी किया है। चाहे वो पेट्रोलियम रोजगार का क्षेत्र हो, या किसानों के समृद्धि का प्रश्न हो, या महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न हो, या सभी वर्गों को उचित रिजर्वेशन इत्यादि का लाभ दिलवाने का प्रश्न हो, सभी में हम अग्रणी रहे हैं और बिहार एक मॉडल रहा है। और साथ साथ यह चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए है, तो आप समझें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पूरे भारत के लिए यह नजीर बन सकता है। तो हम लोग बड़े पैमाने पर जीतने जा रहे हैं, पांचों सीट पर हमारी विजय होगी। फर्स्ट फेज में मतदान कब हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में उम्मीद है कि मतदान होगी थोड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिहार ही ऐसा स्टेट था जहाँ के सबसे निचले पायदान पर बिहार था जहाँ के मतदान 41.5% हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में क्या लगता है आपको? देखिए, दूसरे चरण में भी काफ़ी अच्छी होगी, जो सुबह से जो रुझान आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर प्रतीत हो रहा है। और आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे पार्टी या हमारे कैडर या हमारे मतदाता का प्रश्न है, तो हमारे मतदाता तो इंटैक्ट हैं, वो बढ़ चढ़ कर मतदान जो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और वो मत डाल रहे हैं। कुछ कम जो संख्या जो पिछले चुनाव में आपको देखने को मिला, तो इसका मुख्य कारण हमारे विपक्षी दल है, विपक्षी जो महागठबंधन है, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति इस बार जिस तरह के रवैया रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि नॉन सीरियस इलॉजिकल एंड अनडेमोक्रेटिक वे, राइट। महागठबंधन तो सिरपटोल का कोई गठबंधन साबित हुआ, तो लोगों की जो उसके प्रति जो भावना थी उसमें काफ़ी गिरावट आई। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उससे पूर्णिया में भी महत्वपूर्ण एक क्षेत्र रहा है, वहाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, वो बहुत लंबे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से उनकी विजय हो रही है। लेकिन पूर्णिया की जो स्थिति है, पूर्णिया ने विपक्षी जो लीडर्स हैं, है ना, उनके चेहरे से नकाब हटा दिया। अच्छा परिमल जी, एक मिनट, हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे। पूर्णिया की बात हुई है, संतोष कुशवाहा हैं एनडीए की तरफ से, जेडीयू के सिंबल पे आपके सिटिंग एमपी भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, निर्दलीय हैं पप्पू यादव और आपके ही पार्टी के विधायक हैं, अब वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है बीमा भारती, उनके पीए के पास से 10 लाख रुपये बरामद होती है, लेकिन आरोप ये लगता है आप लोगों के ऊपर कि बीमा भारती को फालतू का परेशान किया जा रहा है। देखिए, हम लोग आपको बतला दें कि नीतीश कुमार की नीति रही है कि न हम लोग किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, राइट। कानून अपना काम करती है। जहाँ तक बीमा भारती का वहाँ तक जाने का प्रश्न है, तो मैं इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट कर दूँ कि पूर्णिया के जो चुनाव हो रहा है ना, इसकी इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो अखिल भारतीय होंगे, क्योंकि इसने कई लोगों के, कई राजनेताओं के चेहरे से पर्दा हटाया है, राइट। उनको उनकी वास्तविक स्थिति जो उनकी मानसिक विकृति ही को है यह स्पष्ट किया है। एक तो पूर्णिया में जो स्थिति रही है वह कांग्रेस के दुर्दशा को दर्शा रहा है, वहाँ किस तरह कांग्रेस अपमानित प्रताड़ित होती रही है, हतप्रभ होकर देखती रही है ना, और एकदम आरजेडी के डिक्टेट पर चलती रही है। तो ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की छवि में काफ़ी गिरावट आई। दूसरी बात, पूर्णिया की घटना, देखिए एक्चुअली कहीं भी चाहे बीमा भारती हो
या पप्पू यादव हो, हमारे प्रत्याशी संतोष सुषवाहा के सामने वो कहीं नहीं दिखते, राइट। हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के केस में है ना, केस ने बेसिकली जो लालू परिवार का यादव विरोधी पर्टिकुलरली जो स्ट्रेटजी रहा है उसकी पोल खोल कर रख दी। स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद फैमिली या आरजेडी मात्र यादव प्रसाद एवं फैमिली की पार्टी है, किसी भी युवाओं को वो बढ़ने देना नहीं चाहती। इसीलिए अपनी बेटी को टिकट दिया। निश्चित, आप देखिए बहुत उदाहरण बतलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी जो अपरिपक्व राजनेता है, और वंशवाद के प्रतिफल क्या होंगे, परिवारवादी पार्टी के जो जो राजकुमार होंगे उनको तो वो तो अपरिपक्व ही होंगे। उन्होंने कुछ समय पहले दो रोज पहले ही आरक्षण की बात की। मैं आपको बतला दूं, बिहार में जो हमारे आदरणीय नेता ने जाति आधारित सर्वे करवाया, पूरे बिहार में माइनॉरिटी मुस्लिमों की संख्या 2.31 करोड़ है, राइट। आरजेडी जो माई समीकरण पर चल रही है, माइनॉरिटी या मुस्लिम समुदाय के मात्र 2 व्यक्तियों को उसने कैंडिडेट बनाया, जबकि अब देखिए 2.31 करोड़ के बदले 2 प्रत्याशी, और लालू प्रसाद यादव के व्यक्तिगत परिवार की संख्या, सदस्य की संख्या 11 है, उसमें 2 लोगों को इन्होंने प्रत्याशी बना दिया, राइट। तो ये अन्याय है कि नहीं? फिर आप देखिए पूरे यादव की जो जनसंख्या है वो 1.86 करोड़ है, राइट। उसमें 6 कैंडिडेट और इनके 11 सदस्य परिवार के 2 कैंडिडेट हैं, तो इनको किसी से लेना देना नहीं है। इस बार माई समीकरण दरक रहा है बड़े बड़े पैमाने पर, और यह काउंटडाउन शुरू हो गया आरजेडी के लिए या लालू फैमिली के लिए। आने वाले दिनों में आरजेडी और लालू प्रसाद फैमिली के राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधेरे में जा रहा है और नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि एक क्रांति उत्पन्न हुई, राइट। जिस तरह हमारे आदरणीय नेता ने बिहार में शिक्षा का प्रसार किया, राइट, पब्लिक अवेयरनेस उत्पन्न की, महिला सशक्तिकरण का दौर उत्पन्न हो गया, तो अब लोग इनके झूठे वादे और मुलम्बे में नहीं आ सकते हैं। अब माई समीकरण मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और यादव समुदाय के भी युवा खुले आम तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, और जिसकी स्थिति आपने पूर्णिया में देखा, राइट। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 फेज के यही 5 सीटों के ऊपर जो मतदान आज हो रही है दूसरी चरण, कहीं ना कहीं हम लोग बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और रुझान जो आ रही है कि मतदान हो रही है, तो हम लोग यहाँ पिछले जो 2019 में जो हम लोगों ने यहाँ से जीता था 5 सीट 4 सीटों के ऊपर, किशनगंज कांग्रेस के पाले में गया था, तो 5 सीटों के ऊपर बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। अन्य खबरों के लिए अपने रही एक न्यूज़ 24 पर, मेरे सहयोगी अंकित के साथ, मैं सदन जी पटना।